हमने पिछली वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल और फ्लेमिंग का वामहस्त नियम पढ़ा था। चलिए अब हम विद्युत मोटर को पढ़ते हैं। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर एक बल लगता है। चलिए अब बिजली से चलने वाले कुछ यंत्र को देखते हैं, जैसे पंखा, फ्रिज, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर। क्या बता सकते हैं कि वह कौन सा महत्वपूर्ण घटक है जो इन सब यंत्रों में समान होता है? आपने सुना होगा कि इन सब यंत्रों में विद्युत मोटर होती है। इस वीडियो में हम विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत मोटर को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अब देखते हैं कि विद्युत मोटर काम कैसे करती है। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी की एक आयताकार कुंडली होती है जो यहां पर ABCD से दर्शाया गया है। कुंडली को हम एक चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के बीच में इस तरह रखेंगे कि AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाएं। कुंडली के सिरों को विभक्त वलय के दो अर्थ भागों P और Q से जोड़ा गया है। विभक्त वलय को हम अंग्रेजी में स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। विभक्त वलय के अंदर की सतह विद्युत रोधी होती है और दूरी से जुड़ी होती है। दूरी को हम अंग्रेजी में एक्सल कहते हैं और बाहर की सतह चालक होती है। X और Y को हम विभक्त वलय के ब्रश कहते हैं और अंग्रेजी में हम इन्हें ब्रशेस कहते हैं। कुंडली ABCD में धारा बैटरी द्वारा चालक ब्रश X से आती है और वापस चालक ब्रश Y द्वारा बैटरी की ओर चली जाती है, जैसे कि आपको यहां पे चित्र में भी दिख रहा है। आप यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख सकते हैं। AB में धारा A से B की ओर प्रवाहित होगी और CD में C से D की ओर प्रवाहित होगी। अब हम फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का उपयोग करके AB में बल की दिशा पता लगा लेंगे। AB में बल नीचे की ओर लगेगा और AB नीचे की ओर धकेली जाएगी। हम देख सकते हैं कि CD में धारा की दिशा C से D की ओर है और इस नियम के अनुसार CD पर बल ऊपर की ओर लगेगा और CD ऊपर की ओर धकेली जाएगी। इसलिए कुंडली ABCD एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करेगी। आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी और उस पर लगने वाले बल की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। हम देखेंगे कि वामस नियम के अनुसार AB पर बल ऊपर की ओर लगेगा और CD पे बल नीचे की ओर लगेगा। अब दोबारा से कुंडली उसी दिशा में घूम जाएगी और इस तरह से कुंडली का निरंतर घूर्णन होता रहेगा। वह यंत्र जो धारा की दिशा को उत्क्रमित करता है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कम्यूटेटर भी कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय ही दिक् परिवर्तक का काम करता है। तो हमने यहां पे देख लिया कि विद्युत मोटर कैसे काम करती है। चलिए वीडियो को रोकें और इस फ्लो चार्ट को अपने कॉपी में बना लें। और इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब आप समझ पाएंगे कि विद्युत मोटर कैसे पंखे को घुमाती है और विद्युत मिक्सर भी विद्युत मोटर के कारण ही घूमता है। आपने पढ़ा कि विद्युत मोटर कैसे काम करती है। क्या बता सकते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है।
जब कोई आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है जिसे निरंतर घूर्णन करती रहती है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। व्यावसायिक मोटर, जिसको हम कमर्शियल मोटर्स भी कहते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ बदलाव लाए जाते हैं, जैसे स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, विद्युत धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है, कुंडली को एक नर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है। वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है और कुंडली मिलकर आर्मेचर कहलाता है। कृपया वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब अपनी कक्षा में इन सवालों को हल कीजिए। धन्यवाद।